अग्रवाल। 25 मई 2013 को नक्सलियों ने झीरम घाटी में कांग्रेस की प्रवर्तन यात्रा पर हमला किया था। लोकतंत्र के इतिहास में माओवादियों का यह सबसे बड़ा किसी राजनीतिक पार्टी पर हमला था। एनआईए की जांच टीम ने झीरम हमले में शामिल वांटेड नक्सलियों को पकड़ने के लिए इनामी पोस्टर जारी किए हैं। जिले के नक्सल प्रभावित गांव के हाट बाजारों में जगह जगह पुलिस के जवान ये पोस्टर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। 50,000 से लेकर 7,00,000 रुपए के इनाम इन पोस्टरों पर लगे हुए हैं। साथ ही एनआईए ने नक्सलियों को पकड़वाने वालों के नाम गोपनीय रखने के बाद पोस्टर में अपने मोबाइल नंबरों को जारी करते हुए लिख रखी है। अरनपुर, कटे कल्याण, बासू जैसे अंदरूनी गांवों में नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में ज्यादातर इन पोस्टरों को लगाया जा रहा है। दरअसल अब देखने वाली बात यह होगी कि एनआईए ने जिस तरीके से इन पोस्टरों को नक्सल प्रभावित इलाकों में जारी किया है तो क्या इससे नक्सलियों को पकड़ने में उन्हें कोई मदद मिलेगी, क्योंकि 5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक उस घटना का पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो सका है। पंकज सिंह भदौरिया, एक्सप्रेस रिपोर्टर, दंतेवाड़ा।